हाय ऑल, मैं निशा, आप सबका निशा किशोर मेरी रसोई में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज अपन बनाएंगे आलू गोश्त। एक बहुत ही टेस्टी और यमी डिश है ये, और आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मेरे को कमेंट्स में लिखकर बोलिए कि ये कैसी बनी। बहुत ही माइल्डली स्पाइस्ड और बहुत ही टेस्टी है, यूनिक रेसिपी है ये, और ये रेसिपी आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन, द टिंग टिंग वाला बटन, टू बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू रेसिपी। इसके लिए आई हैव टेकन 250 ग्राम्स ऑफ मटन एंड टू पोटैटोज व्हिच आई हैव कट इनटू क्यूब्स एंड सोक्ड इट इन वाटर, ताकि ये जो है सो कि काले ना पड़े बोलकर। इसके साथ है मेरे पास 2 चमचे तेल, और है 1/4 चम्मच जीरा, है 2 चमचे है विनेगर यानी कि सिरका, 4-5 लवंग है, और 2 इंच का पीस दालचीनी का, 3 हरी मिर्ची है, और ये 4 लाल मिर्ची है। सीड्स के साथ ले रही, इसमें है 1 प्याज कट इनटू क्वार्टर्स, 1 चमचा नमक, 1/2 चमचा हल्दी, और है 10 गार्लिक पॉड्स, और 1 2 इंच पीस जिंजर का। अब अपन क्या करेंगे, ये मेरे को मटन को जो है सो कि अब भी फ्रिज में से निकाली, डीप फ्रीज करने का टाइम नहीं मिला, तो इसको मैं जल्दी से आपको आइडिया बताती हूँ कैसा करना बोलकर, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। तो आप क्या करिए, ये मटन को एक अच्छे हैवी बॉटम पैन में डालकर उसमें क्या करिए कि आप थोड़ा गर्म मसाला डाल दीजिए, लौंग, मैं इसमें लौंग डाल दी, दालचीनी डाल दी, इसमें इलायची नहीं पड़ती, और इसमें क्या करी थोड़ी सरकी नमक भी डाल, नमक डालकर क्या करेगी इसमें थोड़ा सरका तेल डालकर इसको मैं ढाप कर छोड़ दूंगी इसको, ताकि ये अपन ढाप कर, ये जब पैन गरम रहता और इस पर अपन ये सब मटन रख कर ढाप कर छोड़ देते ना, तो बहुत ही जल्दी जो है सो कि ये डीप फ्रीज हो जाती। मैं तेल क्यों डाली और ये मसाला क्यों डाली बोलते, अगर अपन ये सब नहीं डाले ना तो अपने को मटन में जो है सो कि टेस्ट फिक्का हो जाता, टेस्ट अच्छा नहीं आता। ये सब ये डालकर अपन ठंडा करके रख, सॉरी उसके ऊपर स्टव पर धीमी आंच पर रख दिए तो जल्दी डीप फ्रीज हो जाता। उतनी देर में क्या करेंगे, अपने जो पूरे मसाले हैं ना सारी, खाली अपन हरी मिर्ची को छोड़कर बाकी के पूरे मसालों को जो है सो कि एक जगह रख लेकर ग्राइंडर में डालकर जो है सो कि अपन इसको बारीक पीस लेना। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, 1/2 सिरके के साथ ये पूरे मसाले ग्राइंडर में डालकर, 1/2 सिरका डालकर इसको बारीक हुए तक पीस लेना है इसको, अपन अच्छा बारीक है देखिए ऐसा पीस लेकर रख लेना। अगर चाहे तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। अब देखिए अपना मटन भी ये हो रहा, अभी हुआ नहीं है, लेकिन इसको अपन थोड़ा पलटा देंगे, पलटा देकर फिर एक वक्त करें तो क्या होता कि ये अपना एक ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 या 3 मिनट लगते। देखिए अपना मटन भी हो गया, ये 3 मिनट लगे मेरे मटन को पूरा डीप फ्रीज होने के लिए। अब ये हो गया, वैसे अपना मटन भी अच्छा भुने गया, देखिए अच्छा भुने जाना अपना मटन। अब इसको क्या करना कि इस पर अच्छा भुने जाना, ये थोड़ा सा रखा मसाले में ये तेल में, इसमें भुने गए तो थोड़ा वो होता, थोड़ी देर और ढक्कन लगा कर रखे तो उसके अंदर जो ठंडापना रहता ना वो भी निकल जाता। वो फिर क्या करेंगे, इसमें अच्छा भुने गए वैसे इसमें अपन ये जो मसाला पिसा हुआ मसाला है ना ये पूरा इसमें डाल देंगे, पूरा ये मसाला डाल देकर क्या करना कि थोड़ा मेरे को मुश्किल हो रहा था क्योंकि गाढ़ा मसाला है ना, तो मैं चमचे से डाल दूंगी ये पूरा अच्छा मसाला डाल देकर इसको अच्छा भुनना, पूरे मटन को ये पूरा मसाला लग जाना और अच्छा भुनना, जितना अपना तेल छूटे तक अपन ये भुनना ही, उतना अच्छा भुनना है इसको। मैं यूजुअली मैं मटन को प्रेशर कुक नहीं करती हूँ, प्रेशर कुक ऐसा अपन ओपन भगोने में बनाए बगैर प्रेशर कुकर के ना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का रहता है इसका। ऐसा हो गया बाद से देखिए अब इसका मसाले का भुनते भुनते भी तेल छूट गया। अब इसको मैं ढक्कन ढाँप कर 1-1.5 घंटे तक इसको पकाती हूँ मैं, बीच बीच में इसको हिलाते रहती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये नीचे जलना नहीं बोलकर। तो यूजली मैं पकड़ता नहीं, लेकिन फिर भी अपन केयरफुल रहना अपने भगोने के हिसाब से, अपन केयरफुल रहना कि नीचे पकड़ा या नहीं पकड़ा। अब देखिए अपना ये भुने जा रहा है, अच्छा भुने गया मसाला भी, पूरे मटन को अच्छा लग गया और अच्छा भुने गया ये। आई थी थोड़ी
हाफ एन आवर तक इसको भुनना अपन ऐसी बगैर कुछ डाले हुए इसमें ही भुनना अपन, तो अपने मटन का टेस्ट क्या बोलते कितना अच्छा आता। और ये मसाला भी जितना भुने जाता ना उतनी अच्छा उसका फ्लेवर हो जाता अपने डिश का। अब इसमें मैं देखिए ऐसा भूनते 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 इसमें अभी अपन आलू डालेंगे, अभी थोड़ा और भुने जाना, थोड़ा और भुने के बाद से डालेंगे। जब मसाले की अच्छी भीनी भीनी खुशबू आते रहती ना, फिर इसमें क्या करना कि अपन आलू डालना। और ये खाली भीनी भीनी खुशबू नहीं आना, उसमें अपन तेल डाले तो भी तेल छुटना उतना भुनना अपन इसमें। अब उतना भुने बाद से मैं थोड़े बना रही हूँ, एक जनों के लिए बनाए उतना बना रही हूँ। देखिए इसमें आलू डाल देंगे अपन, पूरे आलू जो पानी में डाल कर रखे ना छोटे छोटे टुकड़े बोल छोटे छोटे क्यूब कर कर डाल दी मैं इसमें, डाल देकर जो है सो कि इसमें अपनी हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ। हरी मिर्ची भी डाल देकर क्या करती हूँ, अपना वो जो भगोने ग्राइंडर में अपन जो मसाला पीसे ना उसमें थोड़ा करका इसको भी भून लेना, भून लेकर वो जो ग्राइंडर में अपन मसाला पीसे ना वो मसाले में थोड़ा सरका पानी डालना, उससे इतना सारा मसाला रहता ग्राइंडर में वो उसमें अच्छा फ्लेवर आता है। वो पानी इसमें खाली पानी डालने की जगह वो मसाले का पानी डाल देकर इसको पकाना अच्छा एक आधे घंटे तक। हाँ अभी सिरका डाल देना, जो बचा हुआ सिरका है ना वो भी डाल देना, वो भी डाल देकर अच्छा मिलाना है इसको सिरके। वो खटास जो रहती ना इसमें अपन इलायची नहीं डाले, खाली अपने पास इसमें क्या डाले अपन लौंग और पट्टा डाले, उसमें बहुत अच्छा ये इससे फ्लेवर आता। अब ये पानी है ना, ये भी ये पानी इसमें मटन में डाल देना, डाल देकर एक वक्त इसको मिला लेना अपन, मिला लेकर और एक आधा घंटा इसको अपन ढक्कन ढाँप कर अच्छा मिला लेकर ढक्कन ढाँप कर पकाना इसको। एक आधा घंटा और पकाए ना तो बस एक घंटे में आपकी मटन करी बन के रेडी हो जाती। लेकिन अगर आपको इतना टाइम नहीं देना है बोले तो आप प्रेशर कुकर में भी बना ले सकते हैं, प्रेशर कुकर में 3 सीटी दिए तो बस है ये। अब देखिए अपना आधा घंटा हो गया, अपना ये मटन बन गया, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा। थोड़ा सरका और इसको गाढ़ा करेंगे, गाढ़ा कर कर इसको अपन जो है सो कि देखिए अब अपना ये हो गया, ये गाढ़ा भी हो गया इसको अपन इसको अब सर्व करेंगे। इसको आप वाइट राइस के साथ, इसमें जो है सो कि आप खट्टी दाल और अगर नहीं खट्टी दाल नहीं बना रहे बोले तो मेरा टोमेटो रसम है ना, देखिए मैं ये राइट हैंड साइड पर आपको लिंक देती हूँ, वो टोमेटो रसम बना कर इसको जो है सो कि वाइट राइस के साथ गर्मा गर्म खाइए, क्या मस्त रहता मालूम, कुछ बोलना नहीं। और आप इसको बनाइएगा और मेरे को कमेंट्स में लिखकर बोलिए कि कैसी बनी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन द टिंग टिंग वाला बटन टू बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।